कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद के बेटे की अबूरी दरख्वास्त जमानत में तौसी कर दी। अदालत ने महमूद रशीद के बेटे की दरख्वास्त जमानत में 23 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अरशद अली से। जी अरशद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज तरमीर अहमद अवान ने मियां हसन की दरख्वास्त पर केस की समाअत की। अदालत के रूबरू थाना गालिब मार्केट पुलिस का जो है वो तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुआ और मुलजम का जो है वो तफ्तीश मुकम्मल ना होने पर जो है वो अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजम की तफ्तीश मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने महमूद रशीद के बेटे की जो है वो दरख्वास्त जमानत में 23 अक्टूबर तक के लिए तौसी कर दी है और केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी की है। दरख्वास्त गुजार की जानब से ये तैयार किया गया था कि पुलिस एहलकारों ने बिला वजह मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, तो लिहाजा अदालत जो है वो दरख्वास्त जमानत मंजूर करने के अहकाम जारी करे। अदालत ने अबूरी दरख्वास्त जमानत पर जो है वो तस्दीक करते हुए 23 अक्टूबर तक जो है वो मुलजम का रिकॉर्ड। अदालत ने महमूद रशीद के बेटे की अबूरी दरख्वास्त जमानत में तौसी कर दी है। बहुत शुक्रिया अरशद अली आपका।